हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है बचत क्या है। बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना करें। तो आय में से उपभोग पर किए गए व्यय को घटाने से जो शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। बचत को निर्धारित करने वाले तत्व, पहला आय में वृद्धि। तो बचत आय पर निर्भर करती है, अतः बचत में वृद्धि करने के लिए आय में वृद्धि करना आवश्यक है। और विकसित देशों में लोगों की आय का स्तर विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम होता है, अतः अविकसित देशों में बचत का स्तर भी निम्न होगा यानी कम होगा, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी होती है। ठीक है, दूसरा है उपभोग में कमी। क्योंकि बचत आय एवं उपभोग का अंतर होती है, आप कर दीजिएगा होती है, अतः बचत में वृद्धि करने का सरल तरीका यानी कि आसान तरीका उपभोग में कमी करना है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जैसे निर्धन एवं अविकसित देश में आय का स्तर नीचा है कि उपभोग में कमी करने की गुंजाइश ही नहीं होती, लेकिन भारत जैसे निर्धन देश के लोगों को इस प्रकार का त्याग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बचत में वृद्धि कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का दूसरा सरल विकल्प नहीं है। ठीक है, तीसरा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के संख्या में वृद्धि। निर्धन एवं मध्य वर्ग के लोगों से छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने के लिए देश एवं और विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।